विवादित बयानों के लिए पहचाने जाने वाले मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा आज से तिरंगा यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके बाद बरेली छावनी में तब्दील हो गया है। कई थानों की पुलिस और पीएसी को यहां लगाया गया है। आरोप है कि तिरंगा यात्रा से पहले मौलाना को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। जगह जगह तैनात है पुलिस बल, चप्पे चप्पे की हो रही चौकसी। ये तस्वीरें मौलाना तौकीर रजा की तिरंगा यात्रा से पहले की। तौकीर रजा का दावा है कि इसमें देश भर का मुसलमान शामिल होगा। दावा है कि यात्रा में एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में संविधान लेकर निकाली जाएगी, लेकिन यात्रा से पहले ही उन्होंने विवादित बयानों की झड़ी लगा दी। मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है, उन पर मुकदमे भी हो रहे हैं, उन्हें जमीन चेक की जा रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जुल्म ज्यादती की इंतहा की जा रही है। इससे पहले तौकीर रजा मुस्लिम लड़कियों को लेकर भी भड़काने वाले बयान दे चुके हैं। तकरीबन 10 लाख मुसलमान लड़कियों को हिंदू बना लिया गया, घर वापसी का नाम दिया गया, हिंदू लड़कों से उनकी शादियां करा दी गई। तिरंगा यात्रा को बरेली से दिल्ली तक ले जाने का ऐलान किया गया है। दावा है कि यात्रा का अंत राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप कर होगा। वहीं विवादित बयानों के चलते तौकीर रजा पर मुरादाबाद में FIR भी दर्ज की गई है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के जौहर ट्रस्ट के तहत चल रहे रामपुर पब्लिक स्कूल को सील कर दिया गया है। दरअसल राज्य प्रशासन ने रामपुर पब्लिक स्कूल को 2 बार नोटिस जारी किया था और 15 दिन की मोहलत भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने जौहर शोध संस्थान परिसर को खाली नहीं किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में ये है बाहुबली नेता आजम खान का स्कूल। नाम है इसका रामपुर पब्लिक स्कूल। देखिए किस तरह प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ के गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा। दरअसल ये स्कूल जिस जमीन पर मौजूद है वो जमीन राज्य सरकार ने लीज पर दी थी, जिसे बाद में शर्तों को बदलने की वजह से निरस्त कर दिया गया। 2 नोटिस जारी होने के बावजूद भी विद्यालय को खाली नहीं कराया गया। ये निर्णय लिया गया है कि इसको सीज किया जाए। रामपुर पब्लिक स्कूल पर यह कार्रवाई अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने की है। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि उन्होंने जो नोटिस दिया था उसकी मियाद पूरी होने से पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। अभी 15 दिन का टाइम दिया था, अभी 15 दिन हुए भी नहीं है, 18 तक हमारे यहाँ एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के, तो अब ऐसे कैसे बताइए, बच्चों के एग्जाम्स कहाँ होंगे फिर, 18 तक है उनका, क्या होगा बच्चों का फिर। पुलिस की मौजूदगी में स्कूल को सील करने का काम पूरा किया गया। स्कूल के मेन गेट को सील कर दिया गया है ताकि बिना अधिकार के कोई अंदर दाखिल न हो सके। भारत के युवाओं को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान से भेजी गई ड्रग्स की बड़ी खेप जम्मू में बर्बाद की गई। 800 करोड़ की ड्रग्स को कैमरे के सामने क्रशर में बर्बाद कर साफ नशे के नेटवर्क पर चोट की गई। हालांकि अब भी ड्रोन के रास्ते ड्रग्स की सप्लाई बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये देखिए, ये ड्रग्स की खेप नहीं है बल्कि जखीरा है। 153 किलो हेरोइन, 177 किलो चरस, कीमत करीब 800 करोड़ रुपए। जम्मू के सामा में 800 करोड़ की ड्रग्स को बर्बाद करने की कार्रवाई की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। ये देखिए किस तरह क्रशर के जरिए ड्रग्स को बर्बाद किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पाकिस्तान द्वारा भेजे गए उन मादक पदार्थों की, जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक को फैलाने और आतंक को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं को वर्गलाने में काम लेता है। और इसी कड़ी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करीब आधा दर्जन मामलों में बरामद करीब 800 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को यहां जम्मू में नष्ट किया है। ये सारी ड्रग्स पाकिस्तान से भेजी गई थी, इससे हुई कमाई आतंकी गतिविधियों में लगाई जानी थी, लेकिन पाकिस्तान का ये मंसूबा चूर चूर हो गया। ड्रोन पे सारी एजेंसियां मिलके बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के साथ मिलके काम कर रही हैं। इसमें हमने US की काउंटर एजेंसी को भी इन्वॉल्व किया था, एक वर्कशॉप की थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।